सड़क नाम की चीज नहीं बची हुई, खत्म बिल्कुल, और सारी सड़कें खत्म सड़क है बिल्कुल, बहुत बुरा हाल है। आप जहाँ से जाओगे वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा सा सुधार है और कुछ नहीं। वहाँ से आपको इसलिए नहीं निकाला कि सड़क है ही नहीं मौके पर डाटा से दुआई के। लेकिन वो जब ये हमारा अजीज जब से वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया वो सड़क ने पी गया घूमकर और वो जाम में फंस जाता है तो वो बहुत गालियां देता है हमारे को। एक किसा काम बचाए तो बसने नहीं चाहिए। 2,80,000 दे के वो कहता है भाई जेई पी गया, एसडीओ पी गया, एक्सिन पी गया और जीएसटी पी गई, कहता ये भी ज्यादा दे रहा हूं, इनका इलाज करो मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री जी मैं आपसे आग्रह करने आया हूं आज, मुझे मना ना करना, आज जरूर दे देना। ये सारे लोग आपके सारी जिंदगी के लिए कायल हो जाएंगे। आपको मैं अभी कह रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप एक बार थोड़ा सा उधर से हो जाओ, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं एक बार चलते वक्त थोड़ा सा लगा लियो। सड़क नाम की चीज नहीं बची हुई, खत्म बिल्कुल। इन्हें टेपी लगाई है यहां तक पुणे तक सिर्फ, ये मुख्यमंत्री जी डपेंगे। अरे उन लोग ऐसा काम करते हुए तुम वहां तक मुख्यमंत्री जी का दौरा रखते दूर रख देते बहुत बढ़िया होता। और सारी सड़कें खत्म सड़क है बिल्कुल, बहुत बुरा हाल है। आप जहां से जाओगे वहां वहां थोड़ा थोड़ा सा सुधार है और कुछ नहीं। सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप वह लोहारी राघो जो भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ा स्थान है, वहां से जब मैं एमएलए बना जो कि 1600 वोट से जीता था, वहां से आपको इसलिए नहीं निकाला कि सड़क है ही नहीं मौके पर डाटा से लोहारी के रूट एक्चुअली वही बनता था सबसे पहले। तो मेरा आपसे आग्रह है सड़कें सारी सड़कें बनवा दो। एक आप अभी क्रॉस करोगे गांव को जहां हमने आपसे रिक्वेस्ट की है, एक बार ये पंजाबी धर्मशाला में एक चाहे एक मिनट के लिए आप रुक जाना, वो भाई आपसे का स्वागत करना चाहते हैं। तो वहां से जब आप निकलोगे पता चलेगा आपको, खैर आज तो ना भी पता चले क्योंकि ये जो हॉर्न वाले आपके जो है वो आगे आगे साफ करते चलेंगे, वरना आधा आधा घंटा ब्रेक लग जाता है गाँव। कैप्टन अभिमन्यु ने मंजूर करवाई थी एक सड़क पटड़ी के सारे हमारे उधर खेतों की तरफ से, लेकिन वो जब ये हमारा अजीज जब से वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया वो सड़क ने पी गया घूमकर। इतनी जरूरी है मुख्यमंत्री जी सड़क सर्कुलर रोड चाहिए हमारे इस गांव के लिए। इस गांव के लिए नहीं है वो तो कई गांव की, बहुत गांव की वो बड़ी डिमांड है। कोई आदमी खांडे से आता है, कोई आदमी वाल से आता है, बास से आता है, पेड़वार से आता है, कहीं से भी आता है और उसको क्रॉस जब नारनोन करना पड़ता है और वो जाम में फंस जाता है तो वो बहुत गालियां देता है हमारे को। एक किसा काम बचाए तो बसने नहीं चाहिए। उधर से कोई आदमी बुडाना की तरफ से, कापड़ों की तरफ से, तेरी दालब की तरफ से, किसी भी गांव में धूड़ चुलाने तक से कोई आदमी आता है तो गांव क्रॉस नहीं कर पाता। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है ये काम भी जरूर करूं। और एक यहां बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम की बहुत जरूरत है। इतना बड़ा गांव है, ये पुराना कस्बा है, ये सबसे पुराना और पुराने वक्त में कंबाइंड पंजाब का सबसे सरसब्ज गांव था तो नारनौन था। हमारे बुजुर्ग बताते हैं इस गांव का कोंडा और आम दोनों मशहूर थे। जब कोई आदमी नहर पर आ जाता पूछता था नारनौन के कोस रहेंगे इतने बाग थे। लेकिन अब सत्यानाश उठ गया, बहुत बुरा हाल है क्योंकि कई साल तो वाटर लॉगिंग की बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम है इस गांव में, लेकिन अब वो प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी आप ये हमारी ये तो बड़ी मांग है जो मैंने बताई है। दूसरी मैं आपसे एक और प्रार्थना करना चाहता हूं। आपने हमारे को 5-5 करोड़ रुपए दिए थे, उसके बाद डी प्लान में भी वेगी में भी जितनी धर्मशालाओं को पैसे दिए थे यहां बाहर आधे से ज्यादा अधूरी पड़ी है।
एक 21 लाख रुपए सैनी धर्मशाला को दे, कहते टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेंडर नहीं हो सकता, ई टेंडरिंग। परशुराम सेवा समिति वालों को 7 लाख बिरजेंद्र ने दिए बैठा, और वो कहता है जी ई टेंडरिंग में 5 लाख में छूटा, और उसमें से 2,80,000 दे के वो कहता है भाई जेई पी गया, एसडीओ पी गया, एक्सिन पी गया और जीएसटी पी की, कहता ये भी ज्यादा दे रहा हूं, इनका इलाज करो मुख्यमंत्री पर। और मेरा आपसे आग्रह है, जिस भी संस्था को आप पैसे देते हो कितनी मॉनिटरिंग करो, कितने कानून बढ़ाओ, मैं नहीं कहता चेक ना करो, लेकिन पैसा डायरेक्ट उन संस्थाओं के खाते में दे दो, उन चौपालों के, और जो भी ये इस तरह की संस्थाएं हैं, ये मेरा आपसे आग्रह। दूसरा ज्यादा नहीं कहता, दूसरा भाई मेरे पास जो लोग आए थे मुख्यमंत्री जी के पास वो सारा पहुंच गया, और अनेक बातें हैं। एक बार जो भाई सतरोड़ खास के प्रधान दलबीर सिंह और ये आप एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे भाई, एक बार मुख्यमंत्री जी से अपनी बात बता जाना। एक ये भाई जो मांग करना चाहते थे 12 खाप के, वो भी भाई अपने 12 खाप की मांग रख देना, और जिनकी अनेक मांग है मुख्यमंत्री जी सबकी मांग सुनेंगे। जय हिंद। हेलो, शांति कर ले एक बार, एक बार बोल, अरे एक नारा लगाओ जय हिंद, दोबारा फिर लगाओ जय हिंद। शाबाश।